सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पावर चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल पावर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को अपने नाम से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे या ट्रिक देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि अपन बिना टच किए अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं या अपने मोबाइल में बोलकर अपने मोबाइल को ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग है और यूजफुल है। दोस्तों, अपने मोबाइल को जो है अपने नाम से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और ये ऐप का नाम है गेस्चर मैजिक। तो दोस्तों, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और इसे सिंपली आप ओपन कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस इसका देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सेटिंग पे जाना, आप सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों ऊपर में एक ऑप्शन है गेस्चर सर्विस, तो दोस्तों इसे जो आपको अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद ये देखिए सीक्रेट बटन जो है क्रिएट हो जाता है, जिससे आप अपने नाम से ही अपने मोबाइल को कंट्रोल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने एंड्रॉयड मोबाइल को नाम से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिंपली आपको फिर से बैक कर लेना है गेस्चर मैजिक पे जाके और यहाँ देखिए दोस्तों नीचे प्लस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जब आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको जो बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों अगर आप अपने नाम से कोई भी एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं, अपने मोबाइल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है सभी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, चलिए मैं किसी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मान लो दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को सेलेक्ट करता हूँ। तो कैलकुलेटर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो अपना नाम डालना है, जो नाम से आप अपने मोबाइल को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दोस्तों मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने चैनल का नाम, तो यहाँ पे टैग डाल देता हूँ। तो मैं टी पहले लिखूँगा, तो मैं यहाँ टी लिख दिया हूँ, नेक्स्ट करूँगा, फिर टी लिख दूँगा। इसी तरह तीन बार आपको डाल देना है। तो तीन बार डालने के बाद ये जो दोस्तों आपको ओपन कैलकुलेटर में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपका नाम जो भी आप डाल सकते हैं लेटर बाय लेटर, जैसे कुछ भी चंदन नाम है तो सी, उसके बाद दूसरे में एच डाल सकते हैं, तीसरे में ए डाल सकते हैं, या डबल ए लेटर आता है दोस्तों अल्फ़ाबेट का, तो आप जो है छोटा ए और बड़ा ए भी डाल सकते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल को अपने नाम से कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए प्लस पे और भी मैं क्लिक करके और भी सिस्टम को मैं ले लेता हूँ इसमें। तो मान लो दोस्तों यहाँ पर जो है स्विच सिस्टम पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, वाईफाई ऑन, GPS ऑन, ब्लूटूथ ऑन और 3G या साउंड ऑन। तो दोस्तों मैं वहाँ ऊपर जो GPS ऑन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टैग बोला था तो टी को तो मैंने ले लिया, अब यहाँ पे ई लिख देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करके तीन बार आपको कर लेना है। जब आप कर लेंगे तो यहाँ की यहाँ पे भी सेट हो चुका है। अब चलिए मैं सिंपली इसे बैक करके होम स्क्रीन पर चले जाता हूँ। जब होम स्क्रीन पे आऊँगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सीक्रेट बटन ये जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसे आप कहीं साइड में रख सकते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। दोस्तों जब आप अपने मोबाइल को अपने नाम से कंट्रोल करना चाहते हैं तो दोस्तों इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो आपको विंडो खोलेगा, वाइट विंडो, तो आपको जो दोस्तों अपना नाम डालना है, जो नाम से अपने मोबाइल को गेस्चर मैजिक बनाया था। तो चलिए मैं टी से बनाया था तो टी को मैं दे देता हूँ, तो ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। देखिए तो देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा ट्रिक है दोस्तों अपने मोबाइल को अपने नाम से कंट्रोल करने के लिए। टी डाला और ये कैलकुलेटर खुल गया। चलिए फिर से मैं यहाँ पे ई डालता हूँ तो मेरा जो है GPS लोकेशन ऑन हो जाएगा। तो देखिए ये GPS लोकेशन ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है। इसी तरह जो आप बहुत सारे इसमें फंक्शन दिए गए हैं, आप जो है सभी को क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आइकॉन पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और यहाँ पे जो अगर किसी को कॉल लगाना चाहते हैं अपने नाम से कंट्रोल करके वो भी तुरंत, तो यहाँ पे क्विक कॉल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट है सभी का डिटेल आ जाएंगे। तो आपको किसी का भी कॉन्टैक्ट ले लेना है, लेने के बाद यहाँ पे जो अपना नाम का जो लेटर है वो डाल सकते हैं। तीन बार आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है और ये जो है क्रिएट हो जाएगा इस जगह पे। आप देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सी डालूँगा तो ये जो है कॉल लग जाएगा इसका, जिसे भी मैं कॉल करना चाहता हूँ। तो देखिए ये लग चुका है, ये कोई दूसरा कोड है, किसी का नंबर नहीं है। तो इसी तरह जो है प्लस पे आप जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे
क्विक मैसेज किसी को जल्दी भेजना चाहते कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ब्राउजर या वेबसाइट तुरंत ही खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, जो भी वेबसाइट का लिंक डालना चाहते हैं, और सिंपली आप उसे जो है गेस्चर मैजिक में अपने नाम से कंट्रोल कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ नीचे सेकेंड नंबर पे ऑप्शन है गेस्चर ड्रावर, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आप अपने मैजिक सीक्रेट बटन का जो है ये साइज भी बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं जो भी डालना चाहते हैं, और यहाँ पे जब आप डालेंगे तो ये कलर जो है चेंज हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा है, देखिए ये कॉल लग चुका है, सी मैंने डाले था, और फिर से मैं यहाँ पे टी डालता हूँ तो दोस्तों कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो दोस्तों इसी तरह जो है आप अपने मोबाइल को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे अपने नाम के थ्रू। दोस्तों आपको अगर इस ऐप को अनइंस्टॉल करना है फ्यूचर में तो दोस्तों सेटिंग में जाके और आपको नीचे सबसे नीचे दिख रहा होगा अनइंस्टॉल ऐप, तो इस पर आप क्लिक करके इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।